हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एनिमेंसीज चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ फ़िश फूड की, जो मैंने अपनी फ़िशेस के लिए मंगवाया है। ये मॉन्स्टर फिशेस हैं, तो इनके लिए बिग पैलेट्स मंगवाए हैं। तो देखते हैं कि कैसा है फ़िश फूड, एंड लेट्स बिगिन। तो भाई, सबसे पहले बात कर लेते हैं पैकेजिंग की। तो पैकेजिंग तो मेरे को काफ़ी अच्छी लग रही है इसकी, और ये 1.5 केजीज़ का है टोटल। तो अब देखते हैं अंदर से कैसा। पैलेट्स तो इसके काफ़ी बड़े लग रहे हैं और कलर भी सही लग रहा है। एक बार देखते हैं कि इसमें प्रोटीन कंटेंट कितना। प्रोटीन कंटेंट है इसमें 50%। तो इसमें मैंने इसलिए मंगवाया गाइस क्योंकि काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे एक तो इसके, और ऊपर से ऐसा एक मेरे को फूड दिखा जो फ्लावरों की ग्रोथ के लिए, कलर्स के लिए, और पैरेट फिश उसकी भी ग्रोथ और कलर्स के लिए काम आता है। वरना मैंने पहले अलग अलग मंगवा रखे थे, आपको मैं इस वीडियो में आगे दिखाऊंगा। मैंने अलग से फ्लावर होंगे ग्रोथ के लिए और अलग से ही उसके कलर के लिए मंगवा रखा, और सेम गोज फॉर पैरेट। पैरेट के भी कलर के लिए अलग फूड, ग्रोथ के लिए अलग फूड। तो ये एक ऐसा पर्टिकुलर फूड है जो ऑल इन वन है। तो अब देखते हैं आगे। बाकी मेरे को देखा जाए तो पैकेट काफ़ी अच्छा, पैकेजिंग अच्छी है काफ़ी। इम्पोर्टेड फूड है, इंडिया का नहीं है। दूसरा, पैलेट साइज़ भी काफ़ी बढ़िया है इसका, और आप जैसे पढ़ सकते हैं स्प्रिनोला वगैरह वगैरह, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे हैं इसमें। मेनली ये श्रिम्प, इसमें लिखा हुआ है कि श्रिम्प से बना हुआ। तो गाइस, ओवरऑल प्रोडक्ट तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। एक बार इसको कंपेयर भी करते हैं जो मेरे पास दूसरा स्पेसिफिक फ़िश फूड है दूसरी फ़िशेस के लिए, और फिर देखते हैं क्या ये राइट चॉइस थी या नहीं। और अगर आपके पास दूसरी फ़िश हैं, मतलब मेरी तरह जैसे मॉन्स्टर फिश नहीं है, गोल्ड फिश या गप्पी, कोई भी छोटी फिश, तो उनके लिए भी इसी टाइप का इम्पोर्टेड फूड अवेलेबल है चीप रेट्स पे। तो उसका भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दिखा देता हूँ। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, मेरे पास है प्रोग्रो 4 mm इसके पैलेट का साइज़ है। बाकी इसमें बहुत सारे अवेलेबल हैं, इंस्टाग्रो, गप्पी बीटा और फर्स्ट फीड पाउडर। तो मतलब आप अपनी फ़िशेस के हिसाब से इसको मंगवा सकते हैं। जो मैंने मंगवाया ये मेरे को पड़ा 1.5 केजीज का 450 रुपीज़ में, प्लस डिलीवरी चार्ज जो नॉर्मल लगता है। तो गाइज, ये वाला फ़िश फूड है जो मैं अपनी फ़िश को नॉर्मली फीड करता हूँ। तो इसमें स्पीडी रेड, बम्पी हेड और ऑप्टिमम का, क्विक रेड और एम्बर का, आस्था प्लस, प्रो मैक्स दोनों आ जाते हैं। तो इस पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, अगर आपको देखनी है तो ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा उसका, तो उसको प्लीज़ देखें। तो गाइज, यहाँ पर मैंने जितने भी फ़िश फूड हैं उनके पैलेट के साइज़ के साथ मेंशन कर दिए हैं, आप ख़ुद कंपेयर करिए। बाकी जो मैंने ऑर्डर करा है इम्पोर्टेड फ़िश फूड, इसका पैलेट साइज़ सबसे ज़्यादा बड़ा है, तो मेरी मॉन्स्टर फिश के लिए काफ़ी अच्छा है। और बाकी मैं आपको मंथ के बाद अपडेट दूंगा कि फ़िश के कलर और बॉडी में क्या फ़र्क आया इस फ़िश फूड को कंटिन्यू करने के बाद। और अगर आपको इस फ़िश फूड जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, स्पीडी रेड, बम्पी हेड, इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन जाननी है, तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। मैंने इनके बारे में पूरी डिटेल में वीडियो डाली हुई है। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग।